नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं एक हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूं अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहे हैं तो आज का मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है लेकिन क्या कारण है कुछ लोग बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं आज उसी बात के बारे में मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा फॉलो द सिस्टम अगर आपको नेटवर्क बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको एक सूत्र को अपनाना पड़ेगा एक ही लाइन में अगर सफलता के सूत्र को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो है फॉलो द सिस्टम जी हां फॉलो द सिस्टम नेटवर्क बिजनेस में काम करने के लिए एक सिस्टम होता है जैसे आप कोई भी काम करते हैं किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई काम करने का एक सिस्टम होता है इसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस में भी सफलता प्राप्त करने का एक सिस्टम होता है आज उसी सिस्टम के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा अगर आप नेटवर्क बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो है आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा यानी कि आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ कभी भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा जिस कंपनी को भी आपने ज्वाइन किया हुआ है उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा विश्वास करना पड़ेगा तो सबसे पहला काम आपको करना है अगर आप नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर सकारात्मक सोच लेके आइए क्योंकि अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप सकारात्मक तरीके से काम कर पाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो पाएगा दूसरा काम जो आपको करना है वो है नेटवर्क बिजनेस लोगों का बिजनेस है ये अकेले आदमी का बिजनेस नहीं है नेटवर्क बिजनेस में हम तभी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जब हम एक टीम बनाएंगे और टीम के साथ एक मजबूत टीम बनाएंगे तो टीम बनाने के लिए दूसरा काम जो आपको करना है वो है मेक ए लिस्ट यानी कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने रिश्तेदार अपने दोस्त अपने पड़ोसियों की जिन लोगों को भी आप जानते हैं उन सब लोगों की आपको पेपर पे लिस्ट बनानी पड़ेगी उनके नाम लिखने पड़ेंगे विद कॉन्टेक्ट नंबर जी हां और यह काम इस वीडियो के बाद सबसे पहले आपको करना है ज्यादातर लोग जो नेटवर्क बिजनेस में फेल हो जाते हैं या सफल नहीं हो पाते वो इस छोटे से काम को नहीं करते हैं वो लिस्ट नहीं बनाते हैं और जब तक आपकी लिस्ट नहीं होगी आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे तो आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है आप जितने भी लोगों को जानते हैं जो भी आपके संपर्क में आते हैं आपके रिश्तेदार आपके दोस्त आपके पड़ोसी उन सब लोगों की लिस्ट आपको बनानी है तो पहला काम आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी है दूसरा काम आपको अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी है और तीसरा महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है वो करना है जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है उन लोगों को इन्वाइट करके एस करना है एस का मतलब है प्लान। यानि कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उस कंपनी के मार्केटिंग प्लान को उन सब लोगों को आपको बताना है अगर आप खुद नहीं बता सकते हैं तो अपनी सीनियर अपलाइन की सहायता ले सकते हैं या कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम या सेमिनार की आप सहायता ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं क्योंकि उनको खुद प्लान दिखाना नहीं आता तो वो खुद शॉर्ट में प्लान दिखाते हैं छोटे में प्लान दिखाते हैं यानी कि अपने जानकार लोगों को अधूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं और वो लोग मना कर देते हैं और आप हताश हो जाते हैं तो तीसरा महत्वपूर्ण आपको करना है एस यानी कि शोधा प्लान प्लान दिखाने के दोस्तों तीन तरीके हैं सबसे पहला तरीका वन टू वन जी हां वन टू वन प्लान क्या होता है कि आप उस व्यक्ति के घर पे चले जाएं जिसको प्लान दिखाना है या उस व्यक्ति को आप अपने घर पे बुला सकते हैं जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हैं और अपनी सीनियर अपलाइन को भी आप इनवाइट कर सकते हैं आप होंगे आपकी सीनियर अपलाइन होगी और आपका गेस्ट होगा आपकी सीनियर अपलाइन उस व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाएगी और आपको वो प्लान बहुत ध्यान से समझना है देखना है कि आपकी अपलाइन किस तरीके से वो प्लान को दिखा रही है तो पहला तरीका हुआ वन टू वन दूसरा तरीका है ग्रुप मीटिंग जी हां आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई ग्रुप मीटिंग होती होगी नहीं होती तो आप अपने घर पे वीकली मीटिंग रख सकते हैं ग्रुप मीटिंग रख सकते हैं जिसमें आठ दस लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं अपनी अपलाइन को इनवाइट कर सकते हैं या खुद भी वहां पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो पहला तरीका है वन टू वन दूसरा तरीका है ग्रुप मीटिंग और तीसरा जिसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट निकलता है वो होता है अपने गेस्ट को आप किसी बड़े सेमिनार में लेके जाए बड़े इवेंट में लेके जाएं क्योंकि जब बड़े सेमिनार या बड़े इवेंट में आप लेके जाते हैं तो उसको बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को और समझने को मिलती है और उन चीजों को देखने के बाद वो बहुत जल्दी ज्वाइन करता है तो प्लान दिखाने के तीन तरीके हुए सबसे पहला तरीका वन टू वन दूसरा ग्रुप मीटिंग और तीसरा बड़े इवेंट में लेके जाए तो मैंने आपको अभी तीन पॉइंट बताए सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया अपनी सोच को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा दूसरा आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है उनको इनवाइट करके उन लोगों को आपको प्लान दिखाना है चौथा जो काम है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो है फॉलो अप जी हां फॉलो अप नेटवर्क बिजनेस में कहा जाता है कि 10 परसेंट प्लान देख के आदमी को समझ में आता है लेकिन ज्वाइनिंग 90 परसेंट अप से आती है जी हां जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है जब वो प्लान देख के अपने घर जाते हैं तो उनके कुछ डाउट होते हैं कुछ सवाल होते हैं कुछ क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते रहते हैं तो उनके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें या आपको उनका फॉलोअप करना पड़ता है और फॉलोअप दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर मैक्सिमम हो जाना चाहिए आप अपनी अपलाइन को लेके उसके घर जा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि कल हमने जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई थी या जो प्लान दिखाया था आपको कैसा लगा उसके कुछ डाउट्स होंगे वो अपने सवाल जवाब से पूछेगा तो आपकी सीनियर अपलाइन उन डाउट्स को क्लियर कर देगी तो उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग आने में बहुत आसानी हो जाएगी तो सबसे पहला सकारात्मक सोच दूसरा आपको लिस्ट बनानी है जानकार लोगों की तीसरा जो है आपको उन लोगों को करके एस करके एसटीपी यानी कि शोधा प्लान करना है और चौथा जो महत्वपूर्ण काम आपको करना है वो 24 से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप करना है और जब वो व्यक्ति आपके बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है उसका स्टार्टअप कराना है स्टार्टअप का मतलब होता है उसको ज्वाइन कराना उसको ज्वाइन कराने के बाद शॉर्ट में दोबारा से आप प्लान जरूर दिखाएं बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ज्वाइन कराने के बाद तुरंत उसको बोलते हैं कि तुम काम में लग जाओ ऐसा नहीं करना है जब आप उसको ज्वाइन कराएं तो शॉर्ट में उसको एक बार और प्लान बताएं उसको बताएं कि इस बिजनेस में उसको क्या क्या मिल सकता है इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा रूप उसको दोबारा दिखाएं और उस व्यक्ति से उसके बाद आप स्टार्टअप कराएं और दोस्तों नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी में आप हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो महत्वपूर्ण काम है हंड्रेड परसेंट प्रोडक्ट यूजर बनना जी हां हंड्रेड परसेंट प्रोडक्ट यूजर बनना मुझे बहुत सारे लोग अपने ट्रेनिंग और सेमिनार में मिलते हैं कि हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स को आप कितना यूज करते हो तो उनके कुछ सवाल आते हैं वो कोई कहता है मेरी वाइफ को प्रोडक्ट पसंद नहीं है कोई कहता है मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं है मुझे एक बात बताइए दोस्तों अगर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे तो वॉल्यूम कहां से बनेगा और जब वॉल्यूम नहीं बनेगा तो आपका परसेंटेज कमीशन आपको आ नहीं सकता क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपकी कोई भी डाउनलाइन प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी और जब सब प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपका बिजनेस जो होगा वो जीरो होगा वॉल्यूम जो होगा वो जीरो होगा तो कमीशन भी आपका जीरो ही होगा जितना बड़ा वॉल्यूम होता है उतना ही बड़ा कमीशन होता है तो आपको महत्वपूर्ण काम जो करना है वो है 100 परसेंट प्रोडक्ट यूजर बनना है जी हाँ 100 परसेंट प्रोडक्ट आपको यूज करने पड़ेंगे आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट है हर वो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है ये बात जितना जल्दी से जल्दी आप अपने अंदर डाल लेंगे आप इस बात को अपना लेंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका हो सकता है तो आपको खुद भी 100 परसेंट प्रोडक्ट यूजर बनना है और अपने टीम के एक एक सदस्य को आपको 100 परसेंट प्रोडक्ट यूजर बनाना है और सबसे लास्ट में जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार जी हां कंपनी में जितनी भी मीटिंग जितनी भी ट्रेनिंग जितने भी सेमिनार होते हैं उन हर मीटिंग हर ट्रेनिंग हर सेमिनार को आपको अटेंड करना है क्योंकि यह बिजनेस सीखने का बिजनेस है अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो यह बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता है तो आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा तो दोस्तों ये छोटे छोटे से टिप्स आज मैंने आपको बताए हैं इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे इन टिप्स को अगर आप अपने अंदर उतारोगे और इन टिप्स को अपनी टीम के अंदर शेयर करोगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा और आने वाले वक्त के अंदर आप सफलता की बुलंदियों को छुएंगे अगर आपको हमारे ये टिप्स पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए जिससे फ्यूचर में इस तरीके की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी या आपको समय समय पर मिलती रहे थैंक यू वेरी मच